हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं टेक्निकल हेल्पर की कट ऑफ के बारे में कि आपकी बार कितनी रह सकती है कट ऑफ और कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पर सारी जानकारी मैं आपको कट ऑफ समझ दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस प्रकार कितनी रह सकती हैं आपकी बार। तो दोस्तों बने रहिए स्टूडियो पर अंत तक ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। और दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फिर पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम करते हैं स्टूडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्कॉम अनुसार जोधपुर डिस्कॉम की। तो डिस्कॉम अनुसार हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करना है जोधपुर की कि जोधपुर के किस प्रकार रहेगी कट ऑफ। तो यहाँ पर देख सकते हो जोधपुर डिस्कॉम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर जोधपुर डिस्कॉम। और जोधपुर डिस्कॉम में सबसे पहले है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 159 से 162 के बीच यदि आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे यदि एक नंबर भी नीचे है तो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा सिलेक्शन फिर तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ऊपर ही जाएगी अब कट ऑफ, नीचे बिल्कुल भी आने का कोई चांस नहीं है। ओबीसी कट ऑफ बात की जाए तो दोस्तों 155 से 157 है, इससे लगभग मेरे हिसाब से एक नंबर और नीचे आ सकती हैं, यानी कि दोस्तों 154 भी मान सकते हो आप। तो ओबीसी की 155 से 157 मैं बता रहा हूँ अभी। तो फिर दोस्तों एससी की बात की जाए तो एससी में 152 से 155 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल राइट कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ऊपर आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन होना तय है। एसटी में बात की जाए दोस्तों तो एसटी में है लगभग 149 से 150, यानी कि 149 प्लस वालों का सिलेक्शन कर दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि 149 से ऊपर हैं आपके नंबर तो आपका सिलेक्शन तय है। फिर दोस्तों दूसरा डिस्कॉम है जयपुर का कि जयपुर में किस प्रकार रहेगी कट ऑफ की बात। तो जयपुर में सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की। तो जनरल में दोस्तों लगभग आपको देख ही रहो कि 160 से 163 तक यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में लगभग 157 से 161 नंबर आ रहे हैं आपके तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर दोस्तों एससी में 155 से 157 वालों को ही लिया जाएगा और इतने नंबर हो रहे हैं आपके तो सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इतने नंबर हैं तो ऑलरेडी आप मान सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इतने नंबर वालों को ही बनाया जाएगा यहाँ पर, टेक्निकल हेल्पर में लिया जाएगा दोस्तों। तो फिर बात करते हैं एसटी में। तो एसटी में 151 से 153 तक की कट ऑफ रहने की पूरी आशंका है, जो कि जयपुर डिस्कॉम की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जयपुर डिस्कॉम में बहुत ही अच्छी रहने वाली, लेकिन आई थोड़ी सी रहेगी जोधपुर से, क्योंकि जयपुर में ज़्यादा हैं अभ्यर्थी इस वजह से। तो दूसरा डिस्कॉम है अजमेर की। तो अजमेर में जनरल की कट ऑफ है वह रहेगी 156 से 159, यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर ओबीसी की बात की जाए तो दोस्तों ओबीसी में 154 से 157, तो यहाँ पर इतने नंबर होंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप मान लीजिए दोस्तों 100% मान सकते हो आप कि आपका सिलेक्शन तय है। तो दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं अब एससी की। तो एससी में अजमेर के जो है, अजमेर में एससी की, तो अजमेर में एससी की है 153 से 155 की, यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। फिर एसटी की, एसटी में 150 से 152 वालों का सिलेक्शन होगा। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी आपके कट ऑफ जाने वाली है आपकी बात टेक्निकल हेल्पर में, तो यहाँ पर सिलेक्शन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों आप स्कोर बता सकते हो कमेंट में अपना, ताकि मैं आपको रिप्लाई देके आपको बता सकूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, तो कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक फेसबुक सोशल मीडिया के जो भी साधन है उस पर शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।